यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी से लेकर तो 15 अगस्त तक कुल चोरी गए 16 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसमें ओप्पो, वीवो, टेक्नो, रियलमी, रेडमी जैसे मोबाइल कंपनियों के फोन शामिल है। शुक्रवार को पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल को उनके मालिकों तक पहुंचाए, जिसके बाद नागरिकों ने पुलिस कर्मचारियों का धन्यवाद व्यक्त किया। माझं नाव मनीषा तडेवाले, मी यशोधरा नगरला इथे राहते। माझं मोबाईल ज्या दिवशी पूर्ण आपल्या शहरामध्ये जेव्हा ग्रामजेचं उद्घाटनची तयारी सुरू होती, त्या दिवशी माझं मोबाईल हरवला आणि मी कंप्लेंट पण केली। त्यानंतर पण मी आश्वासन सोडून दिले होते की मला माझा मोबाईल मिळेल बा, पण त्यानंतर यशोधरा पोलीस स्टेशनमधून मला कॉल आला आणि सरांचं नाव आहे प्रवीण गुप्ता, ह्या सरांनी आम्हाला कॉल केला आणि म्हटलं की मॅडम तुमचा फोन हरवलेला मिळालेला आहे, तुम्ही आपली कंप्लेंट कॉपी घेऊन यशोधरा पोलीस स्टेशनला या आणि तिथे येऊन भेट घ्या। आम्हाला खूप आनंद होत आहे की आमचं मोबाईल आम्हाला मिळालं आणि मी सर्वांना हीच अपेक्षा करते की मोबाईल चोरी गेला तर तुम्ही असं विचार करू नका की बा त्याच्याने काही होत नाही, तुमच्या मोबाईलनी खूप सारे प्रकरण असे होऊ शकतात, तुमच्या मोबाईलचा मिसयूज होऊ शकते, खूप सारे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात, तर तुम्ही त्वरित आपल्या जवळच्या एरियामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन कंप्लेंट करावी आणि त्या लोकांना पण कॉपरेट करा आणि दुसऱ्यांना पण सांगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं पुष्पांजली जोशी मेहंदीबाग पावर हाउस के पास जोशीपुरे में रहती हूँ। मेरा मोबाइल 16/5/2023 को गया था। मेरे मोबाइल जाने के कारण मेरे जो बैंक के डिटेल्स थे, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ उसी मोबाइल में डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरा अपलोड था। इस वजह से मैं बहुत कुछ दिक्कत में आ गई। फिर आके मैंने यशोधरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने से आज 2024 में मुझे प्रणीत गुप्ता सर का फ़ोन आया था, जिनके कारण आज मोबाइल मिलने की खबर मिली। इस कारण अब मैं मोबाइल लेने यशोधरा पुलिस चौकी पर आई हूँ। इसका हाथ छोड़ दिए थे, हद से ज़्यादा हाथ, क्योंकि ऐसे हाथ छोड़ दिए थे कि दूसरा सेकेंड हैंड मोबाइल हमें यूज करना पड़ा, क्योंकि हमारी उतनी तकलीफ नहीं होती है कि उतना हैसियत नहीं होता है कि हम 20,000 का मोबाइल एक साथ एक बार में खरीद सकें। टेक्नो का था 18,000 का सर मेरा वाला। मेरा गया था विश्वकर्मा पेट्रोल पम्प के पास से गया था, जो आज यशोधरा पुलिस स्टेशन में मिलने वाला है। कुछ था मेरा उसमें पुराने मेरे बच्चों के हर चीज़ के डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज़ थी मेरी वाली उसमें। बहुत हमने बहुत कुछ छोड़ दिए थे। हम यशोधरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि उन्होंने हमारी इतनी सारी मदद की है, और आगे भी चल के हम अगर उनको कॉपरेट करेंगे तो वो भी हमें कॉपरेट करेंगे, यही उम्मीद करेंगे बस। बराबर है। आजकल की दुनिया में इंसान को अन्न वस्त्र निवारा, इसके साथ ही ये मोबाइल, ये चीज़ उतनी ही जरूरी की हो गई है, क्योंकि उसको मोबाइल को अभी कोई भी हो, मैं हो या कोई भी हो, उसको एक मिनट के लिए भी बाजू रखता नहीं है। ऐसी चीज़ अगर चोरी हो गई या कहीं रास्ते पे जाते हुए अगर यानी गुम हो गई तो आदमी को बहुत ही खलता है। फिर वो अभी नाराज होकर फिर पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट देता है, फिर उसको लगता है कि भाई अभी महीना हो गया है, कुछ पुलिस ने कुछ अपना मोबाइल अब मिलता नहीं है, फिर वो बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें उसका डाटा रहता है, उसका सिम कार्ड रहता है, बाकी भी माहिती रहती है। ऐसे पूरे नागपुर सिटी में मोबाइल के चोरी होने के, गुम होने के रिपोर्ट दर्ज होते हैं। रोज़ कम से कम हर थाने में रिपोर्ट आती ही है, लेकिन उसमें जो पुलिस ने जो ठान लिया है कि भाई ये जो न्यू टेक्नोलॉजी की मदद लेके जो ऐसे मोबाइल चोरी हुए हैं, गुम हो गए हैं, उसका तपास करके यशोधरा थाने के जो प्रमित गुप्ता है कॉन्स्टेबल, उन्होंने मेहनत करके अभी आज के तारीख में आज 16 लोगों के मोबाइल उनके रिकवर करके उनको आज के दिन वापस कर दिए है। ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, जिनके मोबाइल गए हैं वो भी बहुत खुश हुए हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है।
ये ऐसा ही काम आगे भी चालू रहेगा। बाकी पूरे सिटी में हमारे सीपी साहब के मार्गदर्शन में, जैसे हमारे जोन भाई साहब के मार्गदर्शन में ये काम चल रहा है, आगे भी ऐसे लोगों की चीज़ें ढूंढ के वापस करेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद। JEE नीट MHT CET और 11th 12th के लिए क्या आप अच्छे एकेडमी की खोज में हैं? तो टेंशन किस बात की, श्री एकेडमी है ना। श्री एकेडमी जो पिछले 7 सालों से बच्चों को करियर बनाने में योगदान दे रही है, इनके स्पेशलिटीज हैं एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट, हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स, लाइब्रेरी, पर्सनल नोट्स, CCTV सर्विलेंस, काउंसलिंग बाय साइकोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर। टाई अप विद टॉप क्लास कॉलेजेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट डॉक्टर जयश्री मड़ावी ऑन 8421449548। तो आज ही विजिट करें श्री एकेडमी, प्लॉट नंबर 99, अभय नगर, रामेश्वरी रिंग रोड, नागपुर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, 38 वेड़ाहरी आउटर रिंग रोड, पोस्ट बेसा, नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टेक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। फॉर्चून एक दंत, आपके सपनों का घर। फॉर्चून इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर। मौजा वेड़ाहरी में आउटर रिंग रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर फ्रॉम खापरी मेट्रो स्टेशन, 3 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 किलोमीटर फ्रॉम मिहान, 500 मीटर की दूरी पर पोदार इंटरनेशनल स्कूल, 2 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा रोड और बीसा स्क्वायर। स्पेशल एमिनिटीज, ट्री प्लांटेशन, सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, सिवरेज लाइन, वाटर सोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, फेंसिंग टू इंटायर लेआउट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। 80% बैंक फाइनेंस आल्सो अवेलेबल। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर कैलाश पटले, डायरेक्टर, 8605673995। ऑफिस प्लॉट नंबर 7, सेकेंड फ्लोर, उत्कृष सोसाइटी, नियर पूर्ति सुपर बाजार, बीसा रोड, नागपुर। अब आपके शहर नागपुर में पहली बार महिला स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था ला रहा है लंदन सिटी थीम अम्यूजमेंट एंड मेगा ट्रेड फेयर, जहां कई तरह के झूलों के साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स, फर्नीचर, फूड स्टॉल्स, ऐसी अनेक प्रकार के दुकानें भी होगी। यहां मिलेगा आपको लंदन सिटी के मजे लेने और सेल्फी का मौका। रेशम बाग के मैदान में 15 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस अम्यूजमेंट एंड मेगा ट्रेड फेयर में होगी मस्ती, धमाल और नया अनुभव। तो नागपुर वासी हो जाओ तैयार इस मेले का आनंद लेने के लिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर। श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म, शंकरपुर, बुट्टीबोरी, मोहगांव, चामठा, मिहान। जैसे लोकेशन पर वाई विशेष सुविधाएं, जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव गेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। 80% बैंक फाइनेंस आर आल्सो अवेलेबल। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट 0712-350-7162। ऑफिस एड्रेस F2122 जयंती नगरी 4, अबाउ पूर्ति सुपर बाजार, मनीष नगर, बेसर रोड, नागपुर। अठारह साल से शहर में विश्वसनीय उड़ान लैंड डेवलपर्स ले आए हैं सप्तशृंगी नगरी मौजा साले गोदनी में, जो कि साले बस स्टॉप से सिर्फ 200 मीटर दूर, आउटर रिंग रोड से 3.5 किलोमीटर, गुरुकुल CBSE स्कूल से 1 किलोमीटर, 110 एकड़ में बने एग्रो टर्मिनल मार्केट से 2 किलोमीटर, PHC हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर, वर्धा रोड से 6 किलोमीटर और मार्गी नगर चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर। स्पेशल एमिनिटीज, डांबर रोड, ड्रेनेज लाइन, सीनियर सिटीजन पार्क, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, EMI ऑप्शन, बैंक फाइनेंस और साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध। अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए संपर्क करें उड़ान लैंड डेवलपर्स के संचालक धम्मा भाव सोनटक के 9860298056 और आजाद ठाकुर 9371488938 पर। ऑफिस एड्रेस हुरकेश्वर मेन रोड, नागपुर।